हम अपनी मानों को लेके आए थे हॉस्पिटल की, तो उन्होंने एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि इसको एडमिट करेंगे, तो इसकी 24 आवर्स की जो उसकी एक मेडिकेशन होगी जो इंजेक्शन है और ड्रिप की शक्ल में, और नेबुलाइज करना पड़ेगा बार बार। तो नेबुलाइज करने के साथ साथ फिर इसको ना अब मानो कि चलिए बेहतर है, हर 3-4 घंटे के बाद नेबुलाइज कर रहे हैं ऐसे। तो आप लोगों की दुआओं में याद रखें जी, मेरी बेटी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने तो आज वापस जाना था अपने काम पे, लेकिन रात को बहुत ठंड लग रही थी इसको। ये मेडिसन है जी जो सुबह शाम लग रही है जी, तो ये 24 आवर्स चलेगी। तो इसमें जो सी एंटीबायोटिक है, कुछ इंजेक्शन हैं, फ्लूड है, तो ये सिलसिला कर रहा है। जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो फिर आपके काफ़ी सारे चक्कर लगते हैं। मैंने इसको भाई को कहा, मैंने कहा भाई सारी मेडिसिन लिख दो जो 24 आवर्स लिखनी है, क्योंकि ये 5 फ्लोर है, तो बार बार ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, कभी लिफ्ट कभी, और ये लिफ्ट का वेट कर रहे हैं भाई भी। वरना तो सीढ़ियाँ उतर उतर के बंदा फारिग हो जाता है, अच्छा खासा नीचे जाना पड़ता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखिए सबसे जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे जाके मेडिकल स्टोर है, तो फिर कैंटीन भी बाहर है। ये इब्ने सीना हॉस्पिटल है मुल्तान में, जहाँ पे हमने एडमिट करवाया है बच्ची को। दुआओं में याद रखें जी, बच्ची जल्दी जल्दी सेहतयाब हो जाए और हम घर जाएँ, क्योंकि छोटी मुन्नी जो सी हमारी वो घर पर है जी। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, तो लिफ्ट जो सी है वो बंद हो गई है, क्योंकि 5 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे ये भाई भी वेट कर रहे थे, तो जो सा इंटो वाला मजदूर था ना जी, वो अपनी रेडी में इंटे डाल के लेके जा रहा था, लगता है उनको छुट्टी हो गई, तो उन्होंने लिफ्ट भी बंद कर दी। अब जो से ऊपर जो से जितने भी पेशेंट्स हैं वो बेचारे अब सीढ़ियों से उतर के जाएंगे, और लगता है अब हमें भी पैदल मार्च करना पड़ेगा। चलो चलते हैं पैदल। ओए होए होए, साढ़े तो इंटा वाला ही चंगा भाई, पीछे से चलते पई है। उतरना सौखा है, चढ़ना औखा है। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। मैं तो डॉक्टर ने कहा, मैं जी दवाइयाँ रात तक दी सवेर तक दी एक बार लिख दे, जी तुम मंजिल दे तो सू मारोगे। नहीं नहीं, लिफ्ट भी तो 15-20 मिनट ला दी है, वो पिछले फिर फोन आ जाने छेती छेती दवाई लै आओ दवाई लै आओ दवाई लै। उस वक्त कंटीन मतलब एक कंटीन बना दो जो थी 5वीं मंजिल तक भी, और कंटीन भी कोई नहीं, कोई चाह बिस्किट कोई भी जाना दफा हो थले जा। पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता भाई, इतने पैण जगी है सारे। ये देख रहे हैं जी, ये पर मगरब के बाद का मंजर है जी। अब हॉस्पिटल बरान हो गया, अब लोगों ने बिस्तरे डालने शुरू कर दिए हैं। अब जिनके मरीज़ हैं जो दूर से आए हुए हैं, वो फिर इसी बरामदे में जो सो जाते हैं। ये साथ ही वार्ड है, इस साइड पे वार्ड है, और ये बाहर बेंचेस लगे हुए हैं, जिन लोगों ने बाहर ठहरना हो यहाँ पे ठहर सकते हैं, और जिन लोगों ने सोना हो वो यहीं पे अपना बिस्तरा वगैरह घर से लेके आते हैं और यहीं पे सो जाते हैं। तो इस तरह के मामलात हैं, अल्लाह ताला सबको बचाए। कहते हैं ना सियाने लोग, कहते हैं ना कि जी थाना कचहरी और अस्पताल से अल्लाह ताला बचाए सबको। गाँव में याद रखिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।